हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं उसके बारे में एक ही बात कही जाती है, इफ यू हियर द म्यूजिक प्ले स्टार्ट मूविंग। इस देश के लोग हर उस चीज से प्यार करते हैं जहां पर फुटबॉल आ जाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का तकरीबन 10% हिस्सा इसी देश में है। दोस्तों, इस देश की कॉफी भी दुनिया को बहुत पसंद है, तभी तो यहाँ से दुनिया भर में कॉफी एक्सपोर्ट की जाती है। एक ऐसा देश जहाँ की लड़कियाँ अपनी अदाओं से आपको दीवाना बना देंगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको साउथ अमेरिका के देश कोलंबिया के बारे में बताने जा रहे हैं। इस देश से जुड़ी हर एक बात हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। अब बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत स्पेशल होने वाला है भाई। सबसे पहले आपको बता दूं, इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया। देश की कुल आबादी 5 करोड़ के आसपास है। बात की जाए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो यहाँ आपको पर स्क्वायर किलोमीटर 46 लोग मिल जाएंगे। कोलंबिया में 80% लोग शहरों में रहते हैं, वहीं 20% ही गाँवों में बसे हुए हैं। इस देश की औसत उम्र इस समय 31 साल है। लगभग 90% जनसंख्या यहाँ कैथलिक है। कोलंबिया को गेटवे टू साउथ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सबसे पॉपुलर भाषा स्पेनिश है और दुनिया में सबसे ज्यादा स्पेनिश भाषा बोले जाने वाले देशों की सूची में कोलंबिया दूसरे नंबर पे आता है। इससे अधिक स्पेनिश बोलने वाले लोगों की संख्या केवल मेक्सिको में है। आधिकारिक भाषा स्पेनिश है, लेकिन अंग्रेजी कुछ क्षेत्रों में आधिकारिक है और देश भर में बोली जाने वाली अन्य जातीय भाषाएं और बोलियां भी मौजूद हैं। दोस्तों, इस देश का इतिहास बहुत पुराना है। माना जाता है कि यहाँ पर 20,000 साल पहले से ही इंसानों की उपस्थिति थी। कोलंबिया देश की एक बहुत ही अच्छी आदत है जो कि हमारे देश से मिलती जुलती है। बात यह कि कोलंबिया में जब भी दो लोग आपस में बात करते हैं, अंत में जाकर उसी की बात सुनी जाती है जो उम्र में बड़ा होता है। यहाँ पर किसी भी हाल में कोई अपने से बड़े उम्र के लोगों को परेशान नहीं करता। कहते हैं कि इस देश में सबसे कमाल की बात यही है कि अगर घर के किसी बड़े ने कोई रूल बना दिया, सब उसी को फॉलो करते हैं। हमारे देश में भी तो यही होता है। कोलंबिया में भारत के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा नेशनल हॉलीडेज होते हैं। इंडिया में एक साल में 21 नेशनल हॉलीडेज हैं, तो वहीं कोलंबिया दूसरे नंबर पे और इस देश में साल में 18 नेशनल हॉलीडेज हैं। क्या आपने बोगोटा के बारे में सुना है? यह है इस देश की कैपिटल सिटी। अगर आपको स्ट्रीट आर्ट करने का शौक है तो आप यहाँ जा सकते हैं। स्ट्रीट आर्ट के मामले में बोगोटा को मेक्का फॉर स्ट्रीट आर्टिस्ट कहा जाता है। पूरा का पूरा शहर ही कमाल का दिखता है स्ट्रीट आर्ट की वजह से। यहाँ पर कोई भी ऐसी दीवार नहीं है जहाँ पे आपको कलरफुल पेंटिंग्स देखने को ना मिले। इस स्ट्रीट पेंटिंग की वजह से यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। कोलंबिया के लोग डांस करने में एक्सपर्ट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे इन्हें म्यूजिक सुनाई दे वहीं पे ये नाचने लगते हैं। इनके पैर रुकते ही नहीं है भाई। यहाँ का बच्चा बच्चा नेचुरल डांसर होता है। आपने शकीरा का नाम सुना होगा, वो भी इसी देश से बिलोंग करती है। आपने उन्हें तो नाचते देखा ही होगा, लेकिन कोलंबिया में हर दूसरा इंसान ही शकीरा है। दोस्तों, क्या आपने दी आईब्रो अमेरिकाना के बारे में सुना है? यह यहाँ का एक फेस्टिवल और दुनिया का लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल भी। यहाँ पर तरह तरह के कल्चर के बारे में जानकारी दी जाती है। इस फेस्टिवल में आपको दुनिया के तमाम बड़े बड़े एक्टर्स दिख जाएंगे। बड़े बड़े स्टेज परफॉर्मर्स भी आते हैं और यहाँ अपना जलवा बिखेरते हैं। ये फेस्टिवल के साथ साथ एक क्लासरूम भी है जहाँ पर की इतने सारे डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जानकारी मिल जाती है। दोस्तों, आपने कई गेम्स में एल डोराडो शहर के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये वास्तव में कोलंबिया का एक शहर है? आज से हजारों साल पहले इस शहर को इतने एडवांस तरीके से बनाया गया था कि पूछे मत, लेकिन बाद में इसे हमलावरों ने नष्ट कर दिया। कोलंबिया के लोगों को अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से प्यार है तो वह है फुटबॉल। यहाँ पर हर चीज को फुटबॉल से जोड़ दिया जाता है। यहाँ के लोग फुटबॉल को लेकर बहुत इमोशनल होते हैं और इनकी लाइफ इस गेम के बिना अधूरी है। दिन रात यहाँ पर इसी गेम की चर्चा होती है। जैसे हमारे देश में लोग क्रिकेट को लेकर जुनूनी है, वैसे इस देश में लोग फुटबॉल को लेकर। कोलंबिया के लोग बहुत ही ओपन माइंडेड होते हैं। इनका सोचने का तरीका सबसे अलग होता है। कहा जाता है कि ये लोग किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं। यहाँ पर आप लड़कियों को भी अपने हिसाब की जिंदगी जीते हुए देखेंगे। यहाँ पर किसी के लिए किसी चीज की कोई बंदिश नहीं है और फुल ऑन मस्ती होते हैं। यहाँ पर लड़कियां तो बवाल ही होती है भाई। अपनी अदाओं से वो आपको दीवाना बना लेती है और ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत होते हैं। जहाँ तक बात है कोलंबिया के मेन सोर्स ऑफ इनकम की, तो आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा फलों को उपजाया जाता है। केले और पपीते का बड़ा एक्सपोर्टर है कोलंबिया। साथ ही यहाँ पर चीनी और कॉफी का भी बड़ा काम है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कॉफी इस देश में उपजती नहीं है, लेकिन फिर भी कोलंबिया कॉफी बीन्स से कॉफी बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है। वैसे यहाँ की कॉफी भी बहुत जबरदस्त होती है। आप सुबह सुबह जब इस देश की कॉफी पियेंगे तो पूरे दिन एक्टिव रहेंगे।
यहाँ के लोगों की भी पहली पसंद कॉफी ही है। दोस्तों कोलंबिया का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पे रखा गया है। जी हाँ, आज भी आपको पूरे कोलंबिया में क्रिस्टोफर कोलंबस की प्रतिमाएं देखने को मिल जाएंगी। कोलंबिया एक ऐसा देश है जहाँ पर ज्यादातर समय सर्दी का मौसम नहीं होता। यहाँ पर तापमान तकरीबन 35 डिग्री के आसपास होता है, जो कि परफेक्ट है। इस देश में अगर आप घूमना चाहते हैं तो सितंबर से नवंबर तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ पे जो आसपास के देशों से लोग घूमने के लिए आते हैं वो भी इसी सीजन में आते हैं, क्योंकि उस समय यहाँ का तापमान और नीचे गिर जाता है। अगर आपको खाने पीने का शौक है तो कोलंबिया का दौरा तो बनता ही है। यकीन मानिए, दुनिया में ऐसा खाना आपको कहीं और नहीं मिलेगा जो कि आप इस देश में खा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक सी फूड खाने को मिलता है। यहाँ का एक डिश है जिसका नाम है बंडेजा पैसा। उसे खाने के बाद तो आप कोलंबिया के फैन हो जाओगे। आज भी माना जाता है कि इस देश में दिन रात सिर्फ लोग फुटबॉल और खाने की ही बात करते हैं। यहाँ जाने के बाद आपको पता चलेगा कि फिश को कितने तरीकों से बनाया जा सकता है। वेल दोस्तों, कोलंबिया में जितने भी रेडियो स्टेशन या टीवी चैनल्स हैं, उनके लिए अनिवार्य है कि ये दिन में दो बार नेशनल एंथम प्ले जरूर करें। सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे दो बार नेशनल एंथम जरूर प्ले करते हैं। कोलंबिया में आपको रिवर ऑफ 5 कलर्स का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। इस नदी का पानी येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक और रेड कलर में चेंज होता रहता है। कहते हैं कि इसकी खूबसूरती देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं और एंजॉय करते हैं। जून के महीने से लेकर नवंबर तक आप इस रिवर ऑफ 5 कलर्स का नजारा देख सकते हैं। कोलंबिया के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बड़े शकी होते हैं। ये हर बात पे शक करते हैं। इन्हें लगता है कि कोई इन्हें बेवकूफ न बना दे, और इसी चक्कर में ये कई बार लोगों को परेशान भी कर देते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि एक सवाल के बदले में यहाँ के लोग आपसे कम से कम 10 सवाल पूछेंगे। आपकी मदद करेंगे, लेकिन बहुत सारी जानकारी लेने के बाद। वेल फ्रेंड्स, बाकी साउथ अमेरिकन देशों की तरह कोलंबिया में भी अलग ही माजरा है, और वो है एलियंस को लेकर। एलियंस को लेकर यहाँ के लोगों के अंदर अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है। इनका मानना है कि अमेजन फॉरेस्ट में आज भी एलियंस आते रहते हैं। यहाँ आपको कई लोग अपने रूफ पे टेलीस्कोप लगाए दिख जाएंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि एलियंस कभी भी धरती की तरफ आ सकते हैं। कोलंबिया के लोगों के बीच में विचक्राफ्ट बहुत फेमस है। यहाँ की कई महिलाएं आपको इस तरह की अनवांटेड प्रैक्टिसेस में डाल देती हैं, जो कि सही चीज नहीं है। यहाँ पर कई ऐसे क्लब्स हैं जहाँ हर फ्राइडे नाइट इस तरह की चीजें चलाई जाती हैं। बड़े बड़े घर की महिलाओं को लगता है कि इस विचक्राफ्ट की मदद से वो और ज्यादा रिच हो जाएंगे। जो भी हो, लेकिन ये बहुत ही गलत सोच है। कोलंबिया के लोगों का सबसे पसंदीदा काम है फिशिंग करना। छुट्टी में यहाँ के लोग मछली पकड़ने का काम सबसे ज्यादा करते हैं। ये आराम से किसी नदी के किनारे बैठकर फिशिंग करते हैं और उसके बाद उसी को पकाकर खा लेते हैं। कोलंबिया के लोगों के बीच में येलो कलर की अलग ही पहचान है। आपने इनके फ्लैग पे भी देखा होगा, यहाँ पर सबसे ऊपर येलो कलर ही दिखाई देता है। यहाँ के लोगों को भी जब आप देखेंगे, ये ज्यादातर येलो कलर के कपड़े में ही देखेंगे। जब भी यहाँ किसी स्टेडियम में मैच हो, आपको पूरा स्टेडियम येलो नजर आएगा। कोलंबिया में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, उसके कुछ दिन बाद एक सेलिब्रेशन रखा जाता है, जहाँ पर बच्चे के आसपास नोट यानी कि पैसे रख दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आगे बच्चे को कभी भी पैसों की कोई दिक्कत ना हो। लोगों का मानना है कि अगर बच्चा बचपन से ही पैसों के साथ रहेगा तो वह आगे भी पैसे कमा लेगा। दोस्तों, कोलंबिया के लोग बहुत ही फिट होते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही कम ऐसे लोग नजर आएंगे जो ओवरवेट हों। कहते हैं कि यहाँ पर हर कोई दिन में कम से कम 1 घंटा तो एक्सरसाइज करता ही है, बाकी शाम में कोई ना कोई स्पोर्ट भी खेलते हैं। कोलंबिया में सबसे खराब चीज अगर कुछ है तो वो है नशा। कोलंबिया पूरी दुनिया में इसी बात के लिए बदनाम है। यहाँ पर ड्रग्स का गंदा खेल खेला जाता है। यहाँ पर दुनिया के वो तमाम ड्रग्स मिल जाते हैं जो हर जगह बैन है। इस देश में सबसे ज्यादा नशे का सेवन किया जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी ड्रग्स के गंदे खेल में फंस चुके हैं। इनफैक्ट सरकार ने कई बार कड़े नियम भी बनाए, लेकिन सब फेल हो गया। कोलंबिया का एक और डार्क साइड है, और वो ये है कि इस देश में ही आपको दुनिया के सबसे बड़े बड़े डॉन देखते हैं। अपराधियों का अड्डा कहा जाता है इस देश को। यहाँ पर आए दिन गैंग वॉर्स होते रहते हैं, इसी वजह से यहाँ पे रात में घर से निकलना बिल्कुल भी सेफ नहीं माना जाता। लूटपाट से लेकर किडनैपिंग तक सब आपको इस देश में देखने को मिल जाएगा। कोलंबिया के लोग वाइन और बियर पीने में किसी के भी कान काट लें। कहने का मतलब ये है कि ये जब पीते हैं तो जम के पीते हैं। यहाँ पर 16 साल के बच्चे भी बियर आसानी से गटक जाते हैं। साथ ही दोस्तों, नशा ही सबसे बड़ी बीमारी है इस देश की। कोलंबिया में कोलंबियन पेसो करेंसी के तौर पे चलता है, जिसकी वैल्यू भारतीय रुपए से भी कम है। लगभग 50 कोलंबियन पेसो मिलकर एक भारतीय रुपए के बराबर है। कोलंबिया दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जैव विविधता वाला देश भी है, जहाँ पर दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक प्रजातियां हैं। ऐसी कई जीव की प्रजातियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी देश में पाई जाती हैं। यहाँ पर दुनिया में तितलियों की सबसे अधिक प्रजातियां हैं। हर 5 में से 1 तितली की प्रजाति वहाँ पाई जाती है। इतना ही नहीं, कोलंबिया में ऑर्किड की 4,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अंत में आपको बता दूं कि इस देश में आपको घूमने के लिए एक से बढ़कर एक डेस्टिनेशंस मिलते हैं, लेकिन जो मजा आपको कोलंबिया के समुद्री तटों पे आएगा वो आपको कहीं और नहीं आएगा।
दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया एकमात्र ऐसा देश है जिसका प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर दोनों पर तट है। 300 से अधिक समुद्र तट है यहाँ पे, जहाँ पर्यटक इस प्राकृतिक सुंदरता का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर दिन रात पार्टी होती है, म्यूजिक प्ले किया जाता है और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको रेन डांस का भी मजा मिल जाता है। मिला जुला कर देखें तो कहा जाएगा कि ये एक मौज मस्ती वाला देश है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ड्रग्स की वजह से ये देश अंदर से खोखला हुआ जा रहा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको कोलंबिया की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। क्या आप कभी गए हो कोलंबिया, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।